अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोग बहुत परेशान हैं, हाल है लॉकडाउन इतने दिनों से पीछे 6-7 महीने चला। अब 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार रुपये घर बैठे ला के देते, बोले कोई एक रुपया भी ला के दे रहे सबको, लोग ला के देने वालों को दे रहा या कोई नहीं आ रहे तो मिल रहा। ये असद बाबा नगर में पीछे बस्ती में है हम लोग किशनबाग में, और यहाँ तो कोई एक रुपया भी नहीं ला के दिया। एक पानी की पैकेट भी नहीं दिए। 5-5 हज़ार रुपये जो 500-500 रुपये जो राशन पे मिले वही सिर्फ हमको मिले, अब उसके बाद में हमारे को कुछ भी नहीं मिला। पानी आके परेशान, पानी होने से बहुत परेशान हो गए ना। तो इधर बस्ती में कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप देखिए थोड़ा मदद कीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये किशनबाग राशद बाबा नगर से। अच्छा, आपको कोई भी नहीं ला के दिया 10,000 रुपये? 10 रुपये भी नहीं ला के दिए बाबा। अच्छा, आप जो आप ऑनलाइन पे जा रहे मी सेवा में, मी सेवा वाले क्या बोल रहे हैं आपको? वाले 100-100 रुपये ले रहे हैं, तो अब 100 रुपये कुछ स्लिप वगैरह कुछ प्रूफ दे रहे ही नहीं वो लोग। अच्छा, वो खाली पैसे लेके खाली लिख के दे बोल के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मीसा वाले? 100 रुपये लिए बाद आपको, 100 रुपये लिए बाद 2-3 दिन के बाद में स्लिप आपको देंगे। अब उसके जिम्मेदार हम नहीं है कुछ भी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली लिख के बोले तो दे के आपको 2-4 दिन के बाद में देंगे स्लिप, ऐसा बोल रहे। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, वालेकुम। मैं किशनबाग से बाबा नगर से बोल रही हूँ। यहाँ पर जो 10,000 रुपये दे रही हैं जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए बोल के दे रहे थे, खटके मार मार के दिए, और बाकी के जो लोगों को आज तक 10,000 रुपये नहीं मिले उन लोगों के लिए मी सेवा में फॉर्म भरो कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये ले रहे हैं, पूरे आईडी प्रूफ ले रहे हैं, लेकिन 100 रुपये वो किस लिए ले रहे हैं? हम लोग रोज़ मेहनत कर रहे तो खाना है, ये 100 रुपये देना, फिर इसके बाद में स्लिप नहीं दे रहे हमारे को, और 4-4 दिन में 4 दिन के बाद आओ स्लिप देते, 4 दिन के बाद आओ स्लिप देते बोल रहे हैं। वो स्लिप का ही भरोसा है नहीं है नहीं मालूम, लेकिन जो एक उम्मीद से हम लोग वहाँ पे डाल रहे, लेकिन देना चाह रहे डायरेक्ट आप जैसा लॉकडाउन में जैसा आप लोग डाले हम लोगों को 500-1500 वैसे ही ये भी डाल दीजिए। मेरा नाम शेख अली, मैं 10,000 रुपये देते बोल रहे हैं जी। मैं गरीब आदमी, काम पे नहीं जाता, 2 महीने का घर का किराया देने का, लॉकडाउन में अकाउंट में 1500-1500 कुकिंग में डाले, वैसा डालो ना भाई। अकाउंट नंबर आईडी प्रूफ पूरा पूछ रहे, 100-100 रुपये ले रहे कारोबार, तो राशन कार्ड के जरिए से तो भी देने लगा। अकाउंट नंबर आधार कार्ड का जीरा अकाउंट नंबर दे के आए भाई, असद बाबा नगर किशनबाग में कोई कोई नहीं आ रहेगा। देने के टाइम फ्री दिए थे क्या? देने वालों को फ्री में दे दिए, बाकी 100-100 रुपये लेके 100-100 रुपये दे पड़े हमारे को, हम कैसे ला के दे सकते? किराया चढ़ा दिया, चाहता हूँ कैसे ला के देंगे? किराया चढ़ा सब बाबा ने करके कोई कोई नहीं आ रहा। वालेकुम भैया। हाँ, क्या हुआ भाई? कैसा तू भी है? मी सेवा वाले पैसे ले रहे, 100-100 रुपये ले लेके हमारे पैसे देते, 10,000 के बच्चे लालची बता रहे हैं, वो पक्का मिलते नहीं मिलते, भरोसा होना ना हमारे को। ये आ रहे नहीं गली में, हमारे लॉकडाउन में भी दुनिया के परेशान पब्लिक, हम लोग 1 रुपये का हमारे कुछ भी मदद नहीं इधर, फिर आप लोगों पर भरोसा क्या चीज़ से करेंगे बोलो? फिर अच्छा 100 रुपये लेके भी 2-3 दिन के बाद में आ रहे स्लिप दिया माँ तुम्हारे को कोई नहीं दिया, क्या हिसाब से दिए लिया दिए आप 100 रुपये मांगे तो ना दे डाले, हमको नहीं मालूम कैसा वो करेंगे बोल के, पूरे मी सेवा वाले पूरे 100-100 रुपये 150 रुपये मिला रहे, 120 रुपये मिला रहे, अकाउंट नंबर पूरे प्रूफ। इससे पहले भी आप लोग 1500-1500 रुपये 15,000 देते बोल के 1500 रुपये दिए आप लोग, क्या भरोसा से दिए आप लोग? उतने तो नहीं ले सके तो फिर अपना घरों पे तो भी लेके आके देना था अपना, वो भी मदद नहीं करे लोगों के जो करे, 10,000 लोगों को दे रहे, फिर बगैर पैसों के दिए लोग, फिर हमारे से 100 रुपये का भी ले रहे भाई आप लोग, घरों पे खटका मार के दे रहे, फिर हमारे घर पे खटका मार के नहीं आ रहे पैसे, हम भी दुनिया के परेशान बोल रहे हैं, सब बाबा नगर से बात कर रहे हम लोग।